24 घंटे में उनके रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हम लोग छठ के बाद यदि जिलाधिकारी और सरकार के द्वारा शिलालेख को मुक्त नहीं कराया जाएगा तो हम सीधे, आज तो जिलाधिकारी के आए थे, सीधे चंदन पहाड़ पर जाने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय मौजूद हैं सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर में। देख सकते हैं पीछे सासाराम का कलेक्ट्रेट परिसर है और ऊपर में रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार का ऑफिस है। आपको हम इस खबर में बताते चले कि आज पूरा का पूरा दिन जिला मुख्यालय जो है सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को लेकर चर्चा का विषय बना रहा। आपको हम बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार सम्राट अशोक का लघु शिलालेख चर्चा का विषय बने हुए। बताया जा रहा है कि सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है पूरे बिहार में सिर्फ एक ही है और एक जो है सासाराम में चंद सहित पहाड़ पर स्थित है और उसको भी हाल फिलहाल के दिनों में मजार बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ उस पर धार्मिक चादर उठा दिया गया है। इसी को लेकर आज बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रह चुके सम्राट चौधरी जिला मुख्यालय पहुंचे थे और यहां पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से कहा कि हम धरना देने आए हैं ताकि जो मजार बनाने का प्रयास किया जा रहा है सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है पूरे बिहार में एकमात्र लघु शिलालेख है और इस पर भी मतलब मजार बनाया जा रहा है, इसको अलग प्रकार से एक धार्मिक चादर उड़ा दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने, आइए सुनते हैं। जिलाधिकारी जी को हम लोगों ने आग्रह किया था कि हमको चलकर चंदन पहाड़ पर जो सम्राट अशोक के शिलालेख उसको दिखाने का काम किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ जो कमेटी है और जो पूरी स्थिति है, इससे मैं 24 घंटे से 48 घंटे में सरकार को मैं पूरा जवाब भी दूंगा और आपको भी जवाब दूंगा और पूरी स्थिति को क्लियर करूंगा। और हमने आग्रह किया है कि अतिक्रमण मुक्त आप करें, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे चीज़ों को अध्ययन कराकर एसआई से क्या है, आया है नहीं आया है, सारे चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों ने स्पष्ट, सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 24 घंटे में उनके रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। और फिर क्योंकि लगातार फेस्टिवल है, हम लोग छठ के बाद यदि जिलाधिकारी और सरकार के द्वारा शिलालेख को मुक्त नहीं कराया जाएगा तो हम सीधे, आज तो जिलाधिकारी के आए थे, सीधे चंदन पहाड़ पर जाने का काम करें। अभी आपने सुना बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने ये भी बात कही कि सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है इसको जिस प्रकार से एक धार्मिक इसको कब्जा कर लिया गया है, इस पर मजार उड़ा दिया गया, सभी चीज़ों से अवगत कराया गया और साथ ही साथ जिलाधिकारी के द्वारा उनको बताया गया कि बहुत जल्द मतलब 24-48 घंटे के अंदर उसकी पूरी की पूरी जाँच की जाएगी और पूरा का पूरा जो भी होगा उसका सही निराकरण किया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव स्टूडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।